हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट हो गया है और मैंने ना मतलब अभी तक अपना इंट्रोडक्शन शूट नहीं किया क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल स्टार्ट कर रही हूँ अपने साफ़ सफाई से, क्योंकि वाहिद गया है बाहर खेलने के लिए तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने सोचा कि पहले साफ़ सफ़ाई करती हूँ, बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ बेड क्लीनिंग, ठीक है। तो मॉर्निंग में पहले मुझे सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि बेड साफ रहा, तो मुझे ऐसा लगता है पूरा घर साफ है। तो मैंने आज चेंज की है बेडशीट, क्योंकि बहुत मतलब दो दिन हो गए थे और मैं हर तीन दिन पे बेडशीट चेंज करती हूँ, तो आज मेरा तीसरा दिन था तो मैंने आज बेडशीट चेंज कर दी है और बाकी के सब क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। और वाहिद बाहर गया तो मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, वो टाइम मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ और पूरा काम फास्ट फास्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी देखते हैं कब तक आता है, तब तक मेरा होता है या नहीं। तो मैं तो कर रही हूँ फास्ट फास्ट, फिर भी देखते हैं क्या क्या मतलब कब तक आता है और कितना काम मेरा हो जाता है। तो देखिए बेड वगैरह क्लीन हो गया है और बाकी का मैं यहाँ का बाद में करूँगी, सबसे इम्पोर्टेंट बेड है। और ये मैंने ना बारिश हो रही थी इसलिए ना अर्जेंट कपड़े यहाँ पर सुखा दिए थे, क्योंकि जब गीले कपड़े ऐसे ही रखते तो उसमें से स्मेल आती है, तो मैंने सोचा कि थोड़े से गीले तो उसको यहाँ पर सुखा देती हूँ। तो सूख गए थे, अब निकाले हैं। और मैंने किचन पूरा सुबह ही क्लीन कर दिया था, ये देखिए। और जस्ट बर्तन धोने हैं मुझे, बर्तन जमा करके रख दिए मैंने, बहुत ज़्यादा बर्तन है तो बाहर धोऊंगी अभी। और मैंने कुकर में रखे हैं छोले, क्योंकि मैं आज शेयर करने वाली हूँ छोले की रेसिपी। तो ये देखिए पानी का जार वार मैं वेट कर रही थी, अभी तक नहीं आया है। और यहाँ पर रखे मैंने छोले, इसकी भी अभी सीटियाँ हो रही है और ये हो गए हैं, गल चुके हैं पूरे, तो मैं आपको बताती हूँ तोड़ के। तो ये देखिए अच्छे से इजीली टूट रहे हैं। तो उसके बाद छोले गलने के बाद मैंने क्या किया, झाड़ू मारने के लिए लग गई। और आने के बाद मैंने पूरा मतलब क्लीनिंग होने के बाद मैंने ये इंग्रेडिएंट्स रेडी किए हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में है टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और नींबू आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग और छोले की क्वांटिटी के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं ना प्याज, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना रही हूँ और एक साइड में मैं रख रही हूँ अभी तेल गरम करने के लिए। तो तेल गरम करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे हमारा प्याज और मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट को हमें अच्छे से ब्राउन होने देना है, तब तक इसे अच्छे से कुक होने देना है, वरना ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको इसे अच्छे से कुक होने देना है, गड़बड़ नहीं करनी है। फिर उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे टमाटर, इसका पेस्ट हम लोग बना के फिर इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो अभी हम लोग इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरा बना घर में बना हुआ पेस्ट ख़त्म हो गया था तो मैं बाहर से लेके आई थी, तो अब मैंने ये पेस्ट डाला है लगभग 2 चम्मच, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं डालने वाली हूँ ड्राई मसाला, उसके घर का मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और छोले मसाला। तो इस सबको डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर की प्यूरी अभी इस टाइम पे ऐड करनी है जब मसाला 2 मिनट के लिए भुन जाए, ठीक है। तो देखिए अभी देखने में अभी से टेम्पटिंग लग रहा है, तो ये मसाला भी इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक तेल पूरा छूट ना जाए, ठीक है। तो अभी तेल को छूटने तक हम लोग इसको पकाएंगे। मैंने थोड़ा ढक के पकाया, देखिए तेल छूट गया था, फिर मैंने उसमें थोड़ा डाला पानी। और यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी, वाहिद रोने का चालू हो गया था, तो फिर मैंने ना मतलब जो छोले डालते वो नहीं बताया। ये देखिए इसमें है ना हम लोग अभी नींबू स्क्वीज़ कर रहे हैं, आधा नींबू मैंने इसमें डाला है और नींबू डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और छोले ऐड कर देंगे। और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालना है। मैं वो लास्ट वाली क्लिप नहीं ले पाई थी क्योंकि वाहिद बहुत ज़ोर से रो रहा था, तो फिर अभी इसमें मैंने मतलब पानी टेस्ट के आपके हिसाब से डालिए और ये छोले डालकर 2-3 मिनट पकने देंगे। हे गाइस, तो कल के ना काम के बाद आधा अधूरा छोड़ के मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ा था, कुछ मैं वाहिद के बारे में है मतलब, वो तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मतलब कंटिन्यू करते हैं कल का व्लॉग। तो देखिए आने के बाद मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी है, ये हस्बैंड की है अलमारी और ये है ना इसकी हालत बहुत बुरी हो गई है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। और ये देखिए मैंने किचन पर इस तरह से सब कुछ रख दिया है और यहाँ पर नीचे भी पसारा फेंक दिया है, तो जो नए लगने वाले क्लोथ्स हैं और जो मतलब लगेंगे वो सब मैं मतलब अभी सेट करने वाली। तो वही आज के ब्लॉग में आपको
तो मेरा रूटीन दिखने वाला है साफ सफाई वाला। तो गाइस साफ सफाई करते वक्त मुझे देखिए क्या मिला, ये है ना, आप लोग पहचान गए होंगे ये क्या है। तो ये है मेरा वेडिंग कार्ड जो मतलब मुझे हस्बैंड के कबर्ड से मिला है, और ये है हमारा शादी का कार्ड, दिख रहा है ना। तो 5 साल पुरानी चीज़ मिली है, और ये भी मतलब जो एक्स्ट्रा कार्ड था वो है, और बहुत सारे कार्ड्स मिले हैं ऐसे। तो हस्बैंड के कबर्ड में ना मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं मुझे, और मैं आपको बताती हूँ। और ये है मेरा एंगेजमेंट का लहंगा, ये देखिए गाइस, पर इसको ना चूहे ने काट लिया है यहाँ पे, जब हम लोग ऊपर रह रहे थे ना तब इसको चूहे ने यहाँ पे काटा है, तो ये पहनने लायक नहीं रहा अभी। मतलब पहन सकते हैं लेकिन इसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, और एक ही जगह से, एक या दो जगह से काटा है। ये है मेरा लहंगा पूरा, बहुत हैवी है। ये है मेरा एंगेजमेंट का लहंगा जो है ब्लू कलर का। और एक चीज़ बताती हूँ, ये है मेरा वेडिंग ड्रेस, ये लहंगा है लेकिन मैं इसको खोलूँगी नहीं अभी, क्योंकि ना ये अच्छे से पैक है, वो खोल के क्या करूँ वापस मेरी ख़राब हो जाए। इधर इसका ब्लाउज़ है और अंदर दुपट्टा है, यहाँ पे दुपट्टा है, और ये इसका लहंगा है जो कि मुझे अभी आयरन करना पड़ेगा। मैं इसको कल लेना पहनाने वाली हुई है क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो वो मैं आपको नेक्स्ट कल के व्लॉग में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल है ना बहुत मैस हो गया है इधर, वो साफ़ करते हैं। और ये है वाहिद का न्यू ड्रेस, मैंने आपको बहुत पहले के व्लॉग में बताई थी, क्योंकि इसको बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने रखी हूँ, अब बर्थडे में पहनाऊँगी। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हमारी साफ़ सफाई। तो ये देखिए यहाँ पे हस्बैंड है ना, कुछ अपनी चीज़ें ठीक से नहीं रखते, मुझे बहुत साफ़ सफाई करनी है, तो मैं कैमरा को रखती हूँ साइड पे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी, पता नहीं कौन से पेपर्स लगने वाले हैं कौन से नहीं, तो मैं सब संभाल के ही रखूँगी, हस्बैंड आने के बाद उनको पूछ के फिर स्टार्ट करते हैं। और इसमें है मेरे हस्बैंड की वली में का जो रिसेप्शन का हमारा कोट था वो है, तब मेरे को थोड़ा टाइट हो रहा है, ये देखो ब्लू कलर का, इसको भी मैं अभी साफ करके रख दूँगी। और इसमें है हस्बैंड की एंगेजमेंट की शेरवानी, शेरवानी मतलब शेरवानी भी है बोल सकते हैं, और कोट भी बोल सकते हैं, डाउन जैकेट वाला पता है ना वो वाला। तो ये है उनका कोट जो उनके मतलब एंगेजमेंट से मम्मी ने दिए थे, तो इसको रखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखिए ऑलमोस्ट खाली हो गया है सब कुछ, तो यहाँ रखती हूँ मैं कैमरा को। तो देखिए गाइस एकदम क्लीन हो गया है, यहाँ पे बहुत धूल जम गई थी तो मैंने अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, देखिए मस्त क्लीन हो गया है। अब यहाँ पे कपड़े सेट करते हैं। सबसे पहले जाएगी ये वाली शेरवानी, तो सोचिए इसको भी ध्यान कर दी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा इसको बाद जाएगा ये वाला कोट, तो ये ऐसे साइड में रहेगा ना, ये बंद भी हो जाएगा आराम से, मतलब इसको ये साइड खुल जाए। तो चलिए फटाफट मैं रखती हूँ फिर आपको बताती हूँ। और ये है मेरे हस्बैंड का शादी का जो सूट ड्रेस था ना, शेरवानी कुर्ता, उसके ऊपर का कोट, हमने दोनों ने ट्विनिंग किए थे शादी में, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं था सेम करने वाले लेकिन अनफॉर्चुनेटली किए थे। तो इसको भी मैं अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ। तो देखिए गाइस पूरा कबर्ड एकदम क्लीन हो गया अच्छे से, ये देखिए
मैंने अभी सिर्फ ये सेक्शन किया है। ये सेक्शन में तो सिर्फ लहंगे हैं और नीचे वाइक के बचपन के कपड़े हैं, तो वो मैं फिर किसी दिन मतलब अच्छे से रखूँ। वैसे तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बीच में ही अभी उसको क्लीन किया था, तो फिर मैं नहीं करूँगी उसे अभी। और नेक्स्ट बारी है मेरे अलमारी, तो मेरे अलमारी को करने के लिए तो बहुत टाइम जाएगा क्योंकि मुझे ऊपर से लेके पूरा नीचे तक सेट करना है। एक एक चीज़ जो है यहाँ पे बिखर चुकी है, तो फिर मैं इसको करूँगी किसी और दिन, क्योंकि अभी मेरे पास मतलब वाहिद को भी ध्यान देना है, उतना टाइम नहीं है, तो फिर मैं इसको करूँगी बाद में। फ़िलहाल अभी इसको साफ़ करना है सब कुछ, और वाहिद को खिलाना है खाना। उसको मैंने अभी स्क्रीन टाइम चल रहा है उसका, हाफ एन आवर तक मैं उसको फ़ोन दूंगी, उसके बाद नहीं। और ये हस्बैंड की बहुत पुरानी टी शर्ट है जो बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, उन्हें मिल नहीं रही थी, तो फिर अभी मिल गई है, तो उसको भी वॉश कर दूंगी। और ये वाहिद के कपड़े भी वॉश कर दूंगी ताकि वो कल पहन सके। तो कल क्या होने वाला है ब्लॉग में आपको कल के ब्लॉग में ही पता चलेगा। अभी के लिए वो सस्पेंस है, मैं क्या करने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ और क्या होने वाला है। तो फिर ठीक है, अभी देखते हैं आगे और क्या क्या होता है, बताती हूँ आपको। और छोले की रेसिपी है ना अधूरी रह गई थी बिकॉज ऑफ वाहिद, वो मुझे बनाने नहीं दे रहा था। मतलब सब कुछ हो गया था, सिर्फ छोले डालने थे और उसको बॉयल करना था 2-3 मिनट के लिए, बस इतना ही था। तब तक वाहिद ने ना उसकी वाट लगा दी, तो प्लीज़ आप लोग समझ लेना, एडजस्ट कर लेना कि उसमें सिर्फ आपको छोले डालने हैं लास्ट में और पानी डालना जितना आपको चाहिए उतना, उसको 2-3 मिनट अच्छे से बॉईल करना है, बॉईल आने तक पकाना है। तो ये थे छोले की रेसिपी, और ये देखो वाहिद। तो चलिए अभी फटाफट से ना झाड़ू मारती हूँ क्योंकि बच्चे मतलब घर में रहे ना, तो कचरा रखना एकदम गलत बात है। तो गाइज हो गई है साफ़ सफाई अच्छे से एकदम, तो अभी मतलब मैं व्लॉग का लास्ट पार्ट शूट कर रही हूँ। और मतलब क्या है ना, आपने और एक चीज़ सुने होंगे, बदलापुर की एक मतलब सामने आया है, बदलापुर की एक सिचुएशन, एक ऐसी मतलब छोटी 4 साल की बच्ची है शायद, हाँ 4 साल की बच्ची के स्कूल में भी ऐसे काम हो रहे हैं गाइज। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें, स्ट्रिक्ट होने के जगह पे स्ट्रिक्ट होइए, लेकिन बाकी टाइम उनके साथ एक फ्रेंड जैसा मतलब उनके साथ एक फ्रेंड जैसा कांटेक्ट और कनेक्शन बना के रखिए, बॉन्डिंग बना के रखिए। आपके बच्चे आपको बताने से कभी हिचकिचाए नहीं, और उसके लिए मतलब आपको अपने बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट रहिए लेकिन ज़्यादा भी मत रहिए कि आपके बच्चे डर के आपको कुछ बोले ही ना। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ मतलब उनको स्कूल से आने के बाद डेली आप पूछा करिए कि कुछ सब ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है, किसी ने तंग किया, किसी ने परेशान किया, या कुछ भी आपको जैसा अच्छा लगे जैसे आप पूछ सकते हो वैसे पूछ के उनके साथ एक फ्रेंडली बॉन्डिंग बनाइए और उनका ख्याल रखिए, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल में भी सेफ नहीं हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए इस बात का, और हम लोग जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मतलब क्या, जब सरकार ही हमारा साथ नहीं दे रही है तो फिर मतलब कुछ बोल नहीं सकते आगे। तो प्लीज़ अपने बच्चों का खुद ध्यान रखिए, तो नहीं बैड टच गुड टच सब सिखाइए गर्ल्स को खास करके, और लड़कों को भी, ऐसा नहीं कि बॉयज़ को नहीं, बॉयज़ को भी पूछो, गर्ल्स को भी पूछो, गर्ल्स पेरेंट्स है तो गर्ल्स को भी पूछो, बॉयज़ के पेरेंट्स है तो दोनों के हैं तो दोनों को पूछो, लेकिन पूछो, उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाओ, क्योंकि अभी के ज़माने में किसी पे भी भरोसा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि बच्चे अभी सेफ़ नहीं है, ना स्कूल में है, ना काम पर जाने वाले लेडीज़ सेफ़ है, ना डॉक्टर सेफ़ है, कोई सेफ़ नहीं है। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए, ओके। तो ये देखिए अभी मेरा बेटा आ गया है। बैठो, कहाँ बैठो, कहाँ बैठो, इधर बैठा, ओके ओके, एक मिनट रुक, गिर जाएगा। अरे बेटा, ये है मेरा बेटू, और इसके काम देखो, ये देखो इसके काम, नहीं नहीं नीचे नीचे खेलो, नीचे नीचे खेलो, नीचे 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 खेलो, वाहिद वाहिद इधर नंगे हो, प्लीज।
ये देखो, ये है बच्चे, ये है बच्चे, ऐसा करते हैं। देखो देखो अभी के अभी देखो 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 इधर इधर देखो देखो, ये है आजकल के बच्चे, देखो पसारा देखो। खेलने का था तो बोलने का ना, मैं नीचे डाल के देती थी ना। हाँ समझ में नहीं आता, चुप बैठ पागल, उठा भी सब। ये सब करने में मेरा दिन पूरा जाता है, तो व्लॉग बनाने नहीं देता ये लड़का, इसलिए मैं ना इसके सोने के बाद या फिर इसको स्क्रीन टाइम के टाइम व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि ये हमारा बहुत ही गंदा लड़का है। उतर नीचे, नीचे उतर, नीचे उतर, ये देखो चालू, प्यार से बोल लेंगे ना बाहू, नीचे उतर बदमाश। ये देखो ऐसा खेलते। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये कौन आया है, तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, और हाँ उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाइए। और हमारी बॉन्डिंग तो देख रहे हैं आप लोग, ये देखो हमारी बॉन्डिंग। तो प्लीज़ इस टॉपिक को सीरियस लीजिएगा। छोटी सी मैंने मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहती उस बारे में, क्योंकि मतलब दिमाग काम नहीं करता है। तो फिर प्लीज़ आप मेरे बात पे गौर करना, अपने बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाना, उनके साथ अच्छे से रहना, उनको डेली क्वेश्चन पूछना। आप लोग तो पेरेंट्स से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बॉन्डिंग अच्छी बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारी थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हमारे बच्चों को चुप करा सकती है, सच बोलने से रुका सकती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ अच्छे से बॉन्डिंग बना के रखिएगा, ओके। और हमारा बेटा तो देख ही रहे हैं आप लोग, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर से। कल एक इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो इंजॉय कीजिएगा और व्लॉग को पूरा देखना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वाइट सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब।